हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मी आर्ट क्रिएशन। मैं हूं आपकी दोस्त लक्ष्मी। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और यूनिक सा क्राफ्ट लेके आई हूं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो ये क्राफ्ट मैंने बहुत सारा ऐसे कुछ इस टाइप के मैंने पहले भी बनाए हैं राजस्थानी मिरर वर्क के ऊपर, तो उसी को इंस्पायर करके मैं थोड़ा डिफरेंट आप लोगों के लिए बना के लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और इसे आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने किसी भी जगह को, चाहे गार्डन हो, चाहे या आपके बेडरूम हो, आप लोग इसे कहीं भी सजा सकते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने इसे कैसे और किस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने दो कार्डबोर्ड लिया है, हमें दो कार्डबोर्ड की ज़रूरत है, साइज़ आपके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, A4 साइज़ शीट लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ड्राइंग कर लूँगी। और अगर आप लोगों को ये पूरा डिटेल देखना है, आप लोग पिछले वाला वीडियो पूरा डिटेल में देख सकते हैं। मैंने इसे ड्रॉ करके और कैसे करके कटिंग किया है मैंने उसमें दिया है। और यहाँ पर मैं बहुत ही आप लोगों को इजी तरीके से समझा रही हूँ। तो सबसे पहले कुछ ऐसे वाले पेपर को फोल्ड करके, डिज़ाइन को रेडी करके, कट करने के बाद उसी को हम लोग कार्डबोर्ड के ऊपर रख के इसी डिज़ाइन को हम लोग कट करके निकाल देंगे। निकालने के बाद हम लोग मास्किंग टेप से जितने भी एजेस हैं, चाहे वो इनर हो या आउटर हो, उसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम दोनों कार्डबोर्ड को जोड़ देंगे। दोनों कार्डबोर्ड को जोड़ने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का लुक मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरा मास्किंग टेप से कवर किया है फिनिशिंग के लिए। और इस बार मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पर डायरेक्ट मैं जैसो का यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए मास्किंग टेप को मैंने अच्छे तरीके से चारों तरफ से कवर किया है। तो इसे मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से, एजेस हो चाहे हमारा इनर साइड हो, आउटर साइड हो, अच्छे तरीके से हमें इसे कवर करना है। जैसो मैंने लोकल लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2-3 कोट दिया है। अगर आप लोगों के पास अच्छा ब्रांड वाला जैसो हो, तो एक ही कोट या 2 कोट अच्छे से लगा के उसे ड्राई होने के लिए रख दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों के एज यूजल जो भी अच्छा लगे आप लोगों को पेंट, आप लोग कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 कलर यूज़ कर रही हूँ। एक मैंने डार्क कलर ग्रीन यूज़ किया है और दूसरा यहाँ पर सैप ग्रीन यूज़ किया है। सैप ग्रीन या ऑलिव ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। और इस वाले में मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है। कलर आपकी मर्जी है, आप लोगों को जो कलर अच्छा लगे आप लोग वो कलर यूज़ कीजिएगा। और डिज़ाइन को भी मैंने यहाँ पर पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। और डिज़ाइन बनाने में कुछ भी एकदम हार्ड नहीं है, मैंने सिंपल सा डिज़ाइन रखा है, आप लोग कोई भी बना सकते हैं इसे। और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो मैंने इंस्टाग्राम में दे दिया है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ इसी क्राफ्ट के छोटे छोटे जो पार्ट्स हम लोग डाल नहीं पाते हैं, मैं वो पार्ट्स वहाँ पर डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर मिरर लगाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, बहुत ही स्मॉल साइज़ के मिरर है, सर्कल में है। आप लोगों के पास जो भी मिरर है आप लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को वाइट कुंदन भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये कंप्लीट मैंने दोनों में ही मैंने ये मिरर लगा के रेडी कर लिया है। अब 3D लुक के लिए मैं यहाँ शिल्पकार क्ले ले रही हूँ या मोल्डेड क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। और एक कटर बना रही हूँ, जो मैं ये कैंडल, जो हम लोगों के पास एल्युमिनियम का जो कैंडल आता है, मैं वो यहाँ पर कट करके अब मैं इसे एक लीफ शेप का या वाटर ड्रॉप शेप का एक मैं यहाँ पर शेप दे रही हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसे रेडी करके यहाँ पर हमें ये टेप लगा देना है। ट्रांसपेरेंट का जो टेप होता है वो लगा दीजिएगा। यहाँ पर मैं अभी लोटस बनाने के लिए छोटे छोटे मैंने यहाँ पर क्ले का पीस लिया है। तो कुछ इस तरीके से हमें क्ले को लेना है वाटर ड्रॉप के जैसा, और कुछ इस तरीके से हमें पेस्ट करते जाना है। आप लोग फॉलो कीजिए मैंने किस तरीके से बनाया है, देख सकते हैं आप लोग। हम इस स्टेप को जहाँ बर्ड होता है उसी जगह पे यूज़ करेंगे। देखिए, फ्लावर का जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, हम लोग उसी जगह पे इसे यूज़ करेंगे।
तो ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब मैं पूरा लोटस बना के दिखा रही हूँ। सेंटर में कुछ इस तरीके का वाटर ड्रॉप दीजिएगा और इसके बाद हम लोग जो कटर बनाए हैं उसे साइड से कट करके फिर बस पेस्ट कर दीजिएगा। बाकी जितने भी पेटल्स हैं मैं कुछ इसी तरीके से कट कर करके पेस्ट करूँगी। बहुत ही इजी है, बस हमें कुछ इस तरीके का वाटर ड्रॉप लेना है, साइड से कट करना है। कट करने के बाद जो पीस निकलेगा उसे हमें साइड में पेस्ट करते जाना है। बहुत ही इजी है, बस आप लोग फॉलो कीजिए, देखना आराम से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अभी स्टेम बना रही हूँ लोटस का। तो देखिए कुछ इस तरीके से स्टिक ले लेंगे और इसे इस तरीके से पेस्ट करते जाएंगे। वीडियो आप लोगों को कहीं भी अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और कोई मेरे नए फ्रेंड अगर देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप लोगों के पास बहुत ही ब्यूटीफुल सा और यूनिक सा वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दूसरे वाले कार्डबोर्ड में मैंने यहाँ पर नंदी बनाया है, तो नंदी को हम लोग वाइट पेंट करेंगे। सिर्फ उनका जो ज्वेलरी है मैंने उसी को ही मतलब 3D लुक दिया है और अभी वो भी ड्राई हो चुका है, तो तब तक हम लोग इसे पेंट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट पेंट किया है, सब में दोनों में ही हमें वाइट पेंट करके बेस को रेडी करना है। तो मैंने दोनों का ही बेस रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर अच्छी तरीके से वाइट पेंट दो कोट लगाएंगे, तो दो कोट लगाने से हमारा जो वाइट लुक है वो अच्छे से निखर के आएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों में ही डबल कोटिंग किया है वाइट का, तो दोनों अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो मिरर है इसका जो लुक है थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो मैं यहाँ पर डॉट डॉट दूंगी। मैंने यहाँ पर ट्विक पिक लिया है तो यहाँ पर डॉट डॉट कर रही हूँ। अगर आपके पास वाइट पेंट है तो कीजिएगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। अगर आप लोगों के पास 3D आउटलाइन है उससे भी आप लोग डॉट डॉट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा इसका लुक और भी इन्हेंस होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। जब आप लोग इसे वॉल में हैंगिंग करेंगे तो उसका लुक ही चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ 3D आउटलाइन से जो मैंने स्केच पेन से लाइन किया था, अब मैं उसी लाइन को मैं यहाँ पर कवर करूँगी। देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन को, तो ये और भी ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो जब इसे आप लोग वॉल में हैंगिंग करेंगे इसका लुक कितना ब्यूटीफुल आएगा, मतलब सोच के भी मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं ये क्राफ्ट कर रही थी, बहुत ही खुशी हो रही थी। आप लोग भी ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। मतलब होता है ना कि क्रेज़ की ये कंप्लीट इसका लुक कैसा लगेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा था जब ये क्राफ्ट कर रही थी। तो ज़रूर आप लोग इसे घर पे ट्राई करिएगा और वीडियो जहाँ भी अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर मैं अभी लोटस को कंप्लीट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर वाइट और थोड़ा सा रेड कलर लेके मैं सारे ये जो लोटस के जो पेटल्स हैं वहाँ पर कंप्लीट किया है और अभी डार्क रेड कलर लेके अब इसके आउटलाइन मैं क्लियर कर रही हूँ। तो देखिए ये लोटस कंप्लीट हो गया है और लास्ट में जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा एजेस में जो एकदम जो एजेस है लोटस के थोड़े थोड़े येलो कलर कर दीजिएगा और भी ब्यूटीफुल लगेगा। जैसे कि आप लोग फर्स्ट में वीडियो में देखा होगा मैंने हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा येलो कलर भी दिया है। और यहाँ पर पेटल में हम लोग दो कलर यूज़ करेंगे, सैप ग्रीन और डार्क ग्रीन। नंदी के पैर पर मैं यहाँ पर रेड कलर कर रही हूँ। तो देखिए ये भी कंप्लीट होने के बाद कितना प्यारा लगेगा नंदी, तो इसे कंप्लीट करते हैं। तो नंदी के ऊपर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, तो जैसे कि आप लोग ने देखा होगा नंदी के ऊपर हाथ का छाप होता है तो मैंने वो बनाया है और वो भी बहुत ही इजी है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर आउट लाइन जो होते हैं उनमें मैंने गोल्डन कलर लगाया है और उनकी ज्वेलरी पर गोल्डन लगाया है। तो चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट लुक कैसा लग रहा है ये रेडी होने के बाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे कहीं भी
थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये यूनिक सा वीडियो कैसा लगा है। और ऐसे यूनिक सा वीडियो देखने के लिए लक्ष्मी आर्ट क्रिएशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, तो हर एक वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल और यूनिक सा वीडियो फिर से लेके आने के लिए। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस, और इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।